बताना भी चाहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो आते हैं, यदि आपको उसको बोल रहे हैं लिखो लिखो, तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखेगा, हम बोलते हैं ऑल में, तो तुरंत लिखने लगता है जी, हम उसको बोलते हैं कि आओ इधर आओ, तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो दूसरे आदमी सोचेंगे इसको बोलने आता है कि नहीं, उसको बोलते हैं हिजुम है बेटी, हिजुम है बेटा, हिजुम है, तुरंत आता है। तो निश्चित तौर पर भाषा बहुत जरूरी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है सर, अपनी भाषा में शिक्षा, तो निश्चित तौर पर ये कम से कम प्राइमरी लेवल पर बच्चों की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में जब बहुत जरूरी है, और जब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होती है सर, तो बच्चों के लिए सब कुछ ईजी होता है, उसको घर जैसा माहौल समझ में आता है। और हम मांग जोहर नवा मरांग मंत्री मन की बात रिया मित सायना आखड़ा रे झारखंड रिया दुमका खन सेटेरकनाय मानतान डॉक्टर सपन पत्रलेख उनी हो नवा लॉकडाउन अक्तरे दुमका रिया सांतार टोठारे नौकान मित गणगान कमी खातिर उनी नोडे मरांग मंत्री नेवता होका दिया। सर नमस्कार। जोहर जोहर को नमस्कार, मेरा जोहर नमस्ते। सर आप क्या काम किए थे जिसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई दिए हैं? जी सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोविड पीरियड में जब सब कुछ बंद हो गया था, कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, तो सब कोई घर में दुबक गया था, और कोरोना के कारण पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई। मैं एक शिक्षक हूँ और झारखंड के दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर गांव में, जो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कुछ पिछड़ी जाति के भी बच्चे हैं हमारे स्कूल में, वैसे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं सर। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वहाँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर के रहने के कारण बच्चों के माता पिता किताब कलम को नहीं छुए हैं, जिस कारण बच्चों को उस क्षेत्र में पढ़ाना काफ़ी कठिन है। और लॉकडाउन लग गया तो मुझे डर था कि बच्चों का सर बाल विवाह हो जाएगा, बापला हो जाएगा कम उम्र में, साथ में चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, साथ में बहुत तरह की समस्याएं, ड्रॉप आउट हो जाएगा स्कूल से, तो मेरी रात की नींद गायब थी सर। तो कोरोना काल में जैसा कि आदिवासी गांव में हम लोग का है सर, कि नेचुरल कलर से जो हम लोग घर को ओड़ा को अपना जो कलर्स करते हैं, जो रंग बनाते हैं, तो काला रंग जो बनाते हैं सर गोबर से, मिट्टी से, राख से, पत्ता से, पूरा जला करके, तो उसी रंग का उपयोग हम पूरा समुदाय के सहयोग से सभी बच्चों के लिए घर के द्वार पर, घर घर पर, अपना अपना सभी बच्चों का 300 बच्चों का मैंने सबों के लिए ब्लैक बोर्ड बनवा दिया, और सर दीवार में जो दीवारें हैं उसमें किताब की चीज़ों को लिखवा दिया, पाठ को, और कुछ चित्रें बनवा दी। और बच्चों की पढ़ाई हम आपको बताना चाहते हैं, शायद दुनिया का एकमात्र वो गांव के बच्चे थे, हमारे उस स्कूल के बच्चे गांव में थे, जो अपने घर के द्वार पर लगातार पढ़ाई करते रहे। और इस बात की चर्चा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 31 जनवरी 2021 के एपिसोड में उन्होंने चर्चा किया कि कोरोना काल में अपना बचना काफ़ी कठिन उस समय था, और उस पीरियड में घर से बाहर निकल करके 10 किलोमीटर दूर प्रत्येक दिन जाना, और बच्चों को ये लगा कभी नहीं कि स्कूल भी बंद हुआ। कोरोना काल में कुछ बंद भी हुआ, कोविड भी लगा, कोविड से लॉकडाउन हुआ, उस गांव में लोग जागरूक हुए, जागरूकता आई, कोविड कहीं वहां पर मतलब पहुंचा नहीं, लोगों को मैंने सोशल डिस्टेंस का की बातें बताया, और काफ़ी जागरूकता आई है लोगों में, काफ़ी लोग समझे हैं, और वर्तमान समय में काफ़ी उसका फायदा भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। आहवान आजम किदा मानतान सपन गांव के ठेन खन जे लॉकडाउन अक्तरे जहां अक्तरे अकोई हम ओड़ा खना बांग को उडुगो कना ओना अक्तरे नुई मानतान गंके दो आदिवासी सांतार टोठारे सेन काते सांताड़ा ओड़ा रेना जहां कांत मेना ओना कांत रे ब्लैकबोर्ड बनाव काते ओंडेगे स्कूल लेका बनाव काते दिनम हिलो गिद्रो कोई पढ़ाई को तहना ओना खातिर गे मारांग मंत्री नई गंके कथा रोड़ा और तेज नोड़े नेवता का नेवता का दिया दिल्ली रे और इन हजना और नई मानतान गंके दो सांताली पर्सी होय सड़ाओ कदा सांताली लैंग्वेज भी जानते हैं क्योंकि सांताली बच्चे के साथ सभी समय सर समय कटा रहा है। तो सर सर अड्डी रंगे आकुरे इमरे जो तो मास्टर महाशय रे भी कना गिदरे को आलम तक पढ़ाते चील काम था व्यवस्था रे चील काम था चला और रंगे रे समाप्त हुई कना
पढ़ाई रे अड्डी जरूरी तो इम तक कटी कटी रोड में इमरे भाषा तो अड्डी क्योंकि वहाँ संथाली बच्चे हमारे हैं तो मैं कुछ कुछ सीख रहा हूँ लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं कि आप सर बहुत जानते हैं, जिस कारण मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ और सर हमारे प्रोफेसर हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूँ। और सर सबसे बड़ी बात हुई कि सर आप देखेंगे कि वो आदिवासी गाँव जो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र में है उसका आज पूरे दुनिया में इस आइडिया के कारण आज आप गूगल में देखिए, आज जापान हो जर्मनी हो कई देशों के प्रोफेसर्स उस गांव में भी आ रहे हैं सर। ओसाका यूनिवर्सिटी जापान से पहुंच रहा है जून के महीने में, मैं आपको भी निमंत्रण करूंगा उस समय आप भी आइए। और पूरे दुनिया में नाम हुआ तो निश्चित तौर पर शिक्षा ही गरीबी को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए जो जहाँ भी हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है और शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को और भी मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ में हर बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ ताकि हमारा देश मजबूत हो, और देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और सर मैं संताली, आप जानते हैं मैं संताली भाषा का प्राध्यापक हूँ और मैं संताली भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने के काम में जुड़े हुए हूँ। तो झारखंड में जो संथाल लोग हैं उनको जो संताली भाषा है उसी का जो मातृभाषा है तो उसी का विकास में आपका क्या, आप क्या सोच रखते हैं? सर बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा में शिक्षा जो है, यदि अपनी भाषा में, हम सर आपको बताना भी चाहते हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं वो आते हैं, यदि आपको उसको बोल रहे हैं लिखो लिखो तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखेगा, हम बोलते हैं ऑल में तो तुरंत लिखने लगता है, हम उसको बोलते हैं कि आओ इधर आओ तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो दूसरे आदमी सोचेंगे इसको बोलने आता है कि नहीं, उसको बोलते हैं हिजुम है बेटी, हिजुम है बेटा, हिजुम है, तुरंत आता है। तो निश्चित तौर पर भाषा बहुत जरूरी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है सर अपनी भाषा में शिक्षा, तो निश्चित तौर पर ये कम से कम प्राइमरी लेवल पर बच्चों की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में जब बहुत जरूरी है, और जब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होती है सर तो बच्चों के लिए सब कुछ ईजी होता है, उसको घर जैसा माहौल समझ में आता है। और हम अंग्रेजी और हिंदी और यदि दूसरी भाषा में, यदि दूसरे भाषा के बच्चों को बोलने लगे तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाएगा, भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा, और वो फिर आएगा भी तो तब तक बहुत देर हो जाएगा। इसलिए आप सर संथाली भाषा पर काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, और आपको भी माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाए हैं, आपने संविधान को भाषा में लिख दिया है संथाली भाषा में, मैं आपको भी सर काफ़ी धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर झारखंड और बंगाल के हमारे समाज के सभी लोगों के लिए, झारखंड के सभी लोगों के लिए, बंगाल के सभी लोगों के लिए, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 लोगों को बुलाया है कॉन्क्लेव में नई दिल्ली में, तो निश्चित तौर पर देश के सभी राज्यों के सभी वैसे लोगों को मैं बधाई देता हूं और सभी राज्य देशवासियों को भी बधाई देता हूं कि मैं आया हूं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे साथ पूरा झारखंड यहां पर है, आप आए सर आपके साथ पूरा बंगाल यहां पर है, तो हर लोगों के लिए ये फख्र की बात है, ये बहुत ही मनोबल बढ़ने की बात है, और भी उत्साह बढ़ता है और भी उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय भाषा जो संताली 2003 में संविधान में, संविधान का 8 शेड्यूल में इंक्लूड किए हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसमें लिखा पढ़ा चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, और बंगाल में जितना कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रहा है सभी जगह में संताली भाषा के लिए अलचिकी लिपि का प्रयोग हो रहा है। ये जो अलचिकी लिपि है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 साल में तैयार किए हैं, ये संताली भाषा के लिए बहुत परफेक्ट है, सभी बात सभी कुछ सब कुछ ठीक से लिखा जा सकता है। तो इसी स्क्रिप्ट में, अलचिकी स्क्रिप्ट में संताली भाषा का जो संविधान मैंने अनुवाद किए, जो अनुवाद हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री की नज़र में आए, उसके बाद सारे दुनिया में ये फैल गया कि संताली भाषा और अलचिकी स्क्रिप्ट के बारे में। सर भी झारखंड से है, सर आपका क्या सोच है कि संताली भाषा के विकास में अलचिकी लिपि का कितना महत्व है?
बिल्कुल होना चाहिए। और वो समाज और वो संस्कृति, वो देश, वो राज्य ही आगे बढ़ता है जिसकी अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना साहित्य रहता है। तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो काफ़ी समृद्ध है, यहाँ इतना भाषा है, इतने लोग हैं, सभी का अपना अपना है और सबों का सम्मान है। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि संथाली भाषा का अपना ओलची की लिपि है, निश्चित तौर पर इसका भी हम आपको बताना भी चाहते हैं कि हमारे झारखंड के दुमका जिला में सरकारी जितना कार्यालय है उसमें इसका नाम जो है, चाहे जो भी कार्यालय हो उसमें नाम ओलचिकी में भी लिखाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ओलचिकी की पढ़ाई भी जो है प्राइमरी लेवल पर जरूरी है। और बच्चे, हम संथाली भाषा की भी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे खुद बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि मेरा दो बेटा है और मैं अपना एक बेटा को प्रोफेसर बनाना चाहता हूँ और संथाली भाषा का प्रोफेसर बनाना चाहता हूँ। मैं खुद हिंदी से मैंने PhD की है, डॉक्टरेट है मेरी, लेकिन मैं संथाली में चाहता हूँ कि वो प्रोफेसर बने और आपके साथ में वो पूरे समाज के लिए, चूंकि हमारा भाषा इतना समृद्ध है, इतना आपके पास संस्कार इतना मजबूत है, इतना इसमें कटसी है, इतना बस डबो करने का, प्रणाम करने का जो तरीका है, आपका रीति रिवाज जो है इतना समृद्ध है, लोगों को जोड़ने का आपके पास जो है, और भाषा लोगों को जोड़ता है। और भाषा जब आपस में, आज हम दिल्ली में हैं तो मैंने आपको कहा कि डाका जॉब में, तो निश्चित तौर पर आपके पास जो स्माइल आया, लगा कि अपने घर के लोग कोई जो है, और हाकू तो जॉब में, तो अभी हम लोग हाकू और डाका जॉब करेंगे। व्यवस्था है माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से, यहाँ व्यवस्था हुई है, 5-star होटल में हम लोग को रुकने का मिला है। तो निश्चित तौर पर पुनः जो है आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ सभी लोग को सभी भाषा के बारे में जानना चाहिए, भाषा को सीखना चाहिए और रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। तब प्रधानमंत्री जी का जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो हम बना पाएंगे। सभी को जोहार। थैंक यू सर, थैंक यू।